आपके प्यार की कद्र तो पराए भी नहीं करेंगे, लेकिन आपके गुस्से की कद्र केवल आपके अपने ही करेंगे। यदि आपको भी बहुत गुस्सा आता है तो इस कहानी को अंत तक सुनना। इस कहानी का शीर्षक है बाड़े की कील। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गुस्सैल स्वभाव, छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो बैठता और लोगों को भला बुरा कह देता। वह ये नहीं देखता कि ये हमसे बड़े हैं या छोटे हैं। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा, अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के को लगभग 40 बार गुस्सा आया और उसने वही किया जो उसके पिता ने बोला था। उसने 40 कीलें बाड़े में ठोक दी, पर धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसने सोचा कि कीले ठोकने में इतनी मेहनत क्यों करूं, इससे अच्छा तो अपने क्रोध पर ही काबू किया जाए। और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू कर लिया। और फिर एक दिन ऐसा आया, उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं किया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने फिर उसे एक काम दे दिया। उन्होंने कहा, अब हर उस दिन जिस दिन तुम्हें गुस्सा ना आए तो इस बाड़े से एक एक कील निकाल देना। लड़के ने फिर ऐसा ही किया और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी सारी कीलें निकाल दी और अपने पिता को खुशी होकर ये बात बताई। तब पिताजी उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास ले गए और बोले, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा कभी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। अगली बार किसी पर गुस्सा करने से पहले सोच लेना कि आप उस बाड़े में और कीलें ठोकना चाहते हो। हम गुस्से में सामने वाले को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उस पर जो हमारे शब्दों का प्रहार होता है वो उसे एक घाव देकर जाते हैं। अपने गुस्से पर काबू रखें। धन्यवाद।